What's up guys? I hope you're doing well. आइए वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली. आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार डे के साथ में, पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आवाज आप लोगों को मेरी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की आप लोगों को लग रही होगी, क्योंकि दूसरा माइक मैं अभी यहां पर यूज कर रहा हूं. पहले वाला जो माइक है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है यहां पर लैपटॉप अभी, तो इसमें थोड़ा अपग्रेडेशन करा रहा हूं मैं लैपटॉप में, ताकि प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े. तो देखता हूं बाकी जो कर्सर वाली प्रॉब्लम है ये आप लोगों की ठीक होगी. अब आप लोगों को कर्सर दिख रहा होगा आसानी से और मुझे भी अच्छे से दिख रहा है, तो आसानी से हम लोग डिस्कस कर पाएंगे. बस आवाज थोड़ी आप लोगों को आ रही होगी, ठीक है, कम नहीं आएगी, बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज, बिल्कुल प्रॉपर आवाज आएगी. अगर आवाज में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, मैं फिर से वीडियो को रिकॉर्ड करके डालूंगा अगर कोई भी आप लोग ऐसी प्रॉब्लम लगेगी तो. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर यह बात की जा रही है एलिफेंट डे के बारे में. वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, और 12 अगस्त को सेलिब्रेट करने का बेसिक पर्पज इसका यह है कि किस तरीके से हम लोग इनको प्रिजर्व कर सकते हैं और कैसे हम लोग इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आप लोगों को पिछले दिनों में कुछ अभी देखने को मिला, कई सारे जो हाथी उनकी जान चली जाती है कई सारे रीजन की वजह से, कई सारे तो आज की डेट में ह्यूमन और मैन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहां पर कंडीशन देखने को मिलती है, तो उन्हीं सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहां पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है कि कब से हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार स्टेटमेंट में देखा, तो ये आप लोगों का 2012 से और 12 अगस्त, ठीक है, सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था पेट्रिशिया सिम्पसन और इसी के साथ में एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन, इनके द्वारा यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था कि इस तरीके से हम लोग को हाथी पर फोकस देकर चलना है. तो अगर आज की डेट में आप लोग देखते हैं ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है और कंटिन्यू है यहां पर इसको सेलिब्रेट करने के जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन तब से लेकर यहां पर ये सपोर्ट कर रही है और इसी की वजह से यहां पर ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो इंपॉर्टेंट डे है, हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं. और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, देखिए अगर कोई डे मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, भले ही थोड़ा बाद में डिस्कस करूं, अगर मुझे लगता है कि हां कोई डे छूट गया तो आप लोगों का जरूर डिस्कस होगा. ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं. आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, इसके बाद में आप लोगों को आंसर बताया जाएगा. अच्छे से देखिए, बात की जा रही है यहां पर, अभी यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में महाराष्ट्र के अंदर में जो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है, तो आप लोग यहां पर कई बार मिनिस्ट्री का नाम यहां पर पूछ लिया जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर यह काम करती है, तो एरिया कौन सा यहां पर यह तुंगेश्वर और इसी के साथ में तसना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर इसको डिक्लेयर किया गया, तो कौन सी मिनिस्ट्री का यह कारनामा है. जाना स्मॉल यह है, जना स्मॉल या फिर आप लोग जन बोल सकते हैं इसको, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, तो ये अभी रिसेंटली शेड्यूल बैंक की स्टेटस में इसको डाल दिया गया है. किसके द्वारा ये इसको इस स्टेटस दिया गया है, तो यहां पर आप लोगों को उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, यानी कि हमारी कोई मिनिस्ट्री है या फिर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसके द्वारा ये दर्जा यहां पर इसको दिया गया है. हाईएस्ट लेक का नाम अभी बताना है जो नेपाल में आप लोगों को देखने को मिली, और इसी के साथ में किसको रिप्लेस करने वाली है ये लेक. ये दोनों ही लेक नेपाल के अंदर है जो कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट लेक मानी जाती है. कौन सा राज्य है हमारी कंट्री में जो कि जीरो स्टेबल बर्निंग की कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा यहां पर लगभग 28,000 एग्रो मशीन फार्म इक्विपमेंट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, ताकि जो खेतों में खरपतवार होता है उसको काट पीट कर खेतों में ही उसको एक तरीके से खाद की तरीके से यूज किया जा सके, उसको जलाया ना जाए. जलाने की वजह से एक तो मिट्टी जलती है और ऊपर से उसकी उर्वरक शक्ति भी घटती है, और इसी के साथ में कंडीशन यहां पर ये देखने को मिलती है कि पोल्यूशन जो कि काफी लार्ज स्केल पर नजर आता है. हमारी कंट्री का कौन सा राज्य है, यानी कि कौन से राज्य की गवर्नमेंट है जिसके द्वारा फ्री न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड कराने की बात करिए कुपोषण के शिकार जो भी बच्चे हैं और एनीमिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और ये खासकर 150वीं बर्थ एनिवर्सरी जो महात्मा गांधी जी की हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं 2 अक्टूबर को, उसमें ध्यान में रखते हुए यहां पर ये सारे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें इसको फॉलो किया जाएगा. एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट होता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर काफी पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं और उनको डेवलप किया जाएगा पर्टिकुलर फोकस देकर, तो इसके बारे में याद रखना. किसके द्वारा सस्पेंड कर दिया गया यहां पर आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, जो कि रिसेंटली अभी काफी न्यूज़ में थी, बताइएगा. नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन किसके अंडर में यहां पर ये आता है, जो कि 100% सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोगों को बताना है. वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, और ग्लोबली अगर आप लोग देखेंगे यहां पर ओपियम, ठीक है, अफीम जिसको आप लोग बोलते हैं, कितने परसेंट यहां पर अफीम जो है वो कम हो चुकी है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, यानी कि अफीम का जो प्रोडक्शन है वो कितने परसेंट यहां पर कम हो चुका है, ठीक है, ये भी काफी न्यूज़ में था, इसके बारे में पता होना चाहिए. आइए एक-एक करके आंसर देख लेते हैं. सबसे पहले तो मिनिस्ट्री आप लोगों के सामने जो मिनिस्ट्री है इसके बारे में आप लोग याद रखिए, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, तो इसके द्वारा डिक्लेयर किया गया यहां पर ये इको सेंसिटिव जोन महाराष्ट्र के अंदर. दूसरा यहां पर जो यहां पर ये जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको शेड्यूल बैंक का स्टेटस दिया गया है. नेक्स्ट यहां पर यह है किजांग सारा लेक, ये अभी वर्ल्ड की सबसे ऊंची लेक मानी जा रही है, अब तक यहां पर थी टेलीको, ठीक है, तो ये दोनों ही लेक नेपाल के अंदर पड़ती है, तो इसको बोला जा रहा है रिप्लेस इसके द्वारा कर दिया गया है.
मैंने आप उस टाइम पर भी आप लोगों को बताया था कि चारों तरफ से ग्लेशियर की पहाड़ियां हैं उससे घिरी हुई है ये, तो वहां से बर्फ पिघलकर यहां पर आ रही है और उसकी वजह से ये लेक यहां पर बन चुकी है। पंजाब है जिसके द्वारा जीरो स्टबल बर्निंग स्टेट बनाने की अपने आप को बात की जा रही है और उसी के चलते 28,000 जो मशीनें खरीदी गई है, जैसे हैप्पी सीडर हो गया, कई सारी ऐसी मशीनें जो कि यहां पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। छत्तीसगढ़ है वो राज्य है जो कि महात्मा गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में फ्री न्यूट्रिशन फूड यहां पर प्रोवाइड करवा रहा है ताकि जो एनीमिया की प्रॉब्लम है या फिर कुपोषण के शिकार जो भी यहां पर बच्चे हैं उनके ऊपर फोकस दिया जा सके। ठीक है, तो ये है 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की। वर्ल्ड आर्चरी जो है यहां पर इसके द्वारा आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो यहां पर इसकी बात की जा रही है, इसको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि इसके द्वारा गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई यहां पर, इसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। नेशनल डेवलपमेंट जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है, तो 100% ये सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग यूनिट आज के डेट में है जो कि यहां पर पर्टिकुलर एरिया में काम करता है। ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड पर्टिकुलर लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज में जो मूवीज वगैरह है उनको एक तरह से सपोर्ट करने का काम करता है। वर्ल्ड ड्रग ग्रुप जो रिपोर्ट है यहां पर ये रिलीज की गई किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, तो UNODC। ये यहां पर ओपियम जो अफीम जिसको आप लोग बोलते हैं, ये यहां पर लगभग बोला जा रहा है 25% कम हो चुकी है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अफीम देखने को मिलती है। पहले नंबर पर अफगानिस्तान है, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सी कंट्री है उनका आप लोग रिविजन कर लीजिए, कल ही आप लोगों इसके बारे में पढ़ाया था। तो ये अभी काफी कम हो गया क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर शांति नहीं है तो उसकी वजह से वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है अफीम का। ठीक है, तो इसकी वजह से काफी न्यूज में है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात कहते हैं इंपोर्टेंट शॉर्ट न्यूज यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, एक एक कर नजर डालते हैं। सबसे पहली जो न्यूज आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ रही है, ये आ रही है खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए, खेलो इंडिया प्रोग्राम हमारी कंट्री में एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ग्राउंड लेवल पर यह काम करता है कि हमारी कंट्री में किस तरीके से हम लोग जो गेम है उनको अच्छे लेवल पर हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के चलते यह जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया ताकि गांव गांव में जाकर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं हर एक लेवल पर जो टैलेंट है उनको निकालकर बाहर निकाला जा सके। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम से नाम से भी इसको पुकारते हैं या फिर खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से भी आप लोग इसको कई बार बोल सकते हैं जो पहले इसको नाम पुकारा जाता था। तो ये जो प्रोग्राम है स्टार्ट कब किया गया पहले तो ये पता होना चाहिए, ये 2018 में स्टार्ट किया गया, फिर अभी 2019 में देखने को मिला और नेक्स्ट जो एडिशन इसका होने वाला है 2020 में आप लोग यहां पर नजर आएगा। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, आसाम के अंदर ये एडिशन होने वाला है जनवरी 10 से 22 जनवरी में 2020 में ही होगा। तो कोई पूछे कौन से नंबर का एडिशन है तो यहां पर ही आप लोगों को तीसरे नंबर का एडिशन है। नेक्स्ट, यहां पर हेडक्वार्टर कहां पर, इसका न्यू दिल्ली के अंडर में है। टोटल यहां पर जो फोकस किया जाता है वो इसी के ऊपर फोकस दिया जाता है किस तरीके से हम लोग को सिचुएशन हैंडल करनी है। ठीक है, बाकी अगर बात करें 2018 की, अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो सबसे ज्यादा टॉप किसके द्वारा रहा गया, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाते हैं, दूसरे नंबर पर कौन रहा, तो इस तरीके की बातें भी आप लोग याद रखिएगा, पास्ट के इवेंट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो 2018 की अगर बात करें तो हरियाणा के द्वारा टॉप किया गया यहां पर, हालांकि मेडल की संख्या कम थी हरियाणा की, पर लेकिन अगर गोल्ड की बात करें क्योंकि जो गोल्ड के द्वारा काउंट किया जाता है यहां पर उसमें टॉप पर था, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर दिल्ली। 2019 में क्या सिचुएशन रही है वो आप लोग जाकर रिवाइज कीजिएगा, टॉप किसके द्वारा किया गया है और 2019 में ये गेम कहां पर देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जाकर इसके बारे में सर्च कीजिएगा। तो ये जो है यहां पर अभी हमारी कंट्री के जो मेंबर सेक्रेटरी है स्पोर्ट के यूथ वेलफेयर कमेटी जो कि लक्ष्य कौनवार है, इनके द्वारा बोला गया 10,000 के करीब यूथ के द्वारा बोला जा रहा है यहां पर पार्टिसिपेट किए जाने की एक एक तरीके से एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहां पर ये छत्तीसगढ़ के बारे में बात की जा रही है, एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है हमारी कंट्री में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बोला जा रहा है 15 किलोमीटर नेशनल जो फ्लैग है हमारा यानी कि तिरंगा झंडा है वो रायपुर जो कि कैपिटल है यहां पर छत्तीसगढ़ की उसमें यहां पर ये फहराने की कोशिश की जा रही है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये यहां पर वासुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन, तो ये यहां पर बेसिकली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा रही है। तो यहां पर कहां पर हो रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहा है, कितना 15 किलोमीटर लंबा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वासुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन, ये है यहां पर, ये चैंपियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ अगर आप लोगों को देखना है तो हमारी कंट्री का राज्य है ये आप लोग देखते हैं, ये यहां पर छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कौन सी, यहां पर नेक्स्ट न्यूज है यहां पर ये किताब के बारे में है, और किताब भी अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड हो और गवर्नमेंट के साथ में भी ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अगर काम कर रही है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाती है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये यहां पर किताब का नाम है, ये यहां पर लिस्टनिंग लर्निंग और इसी के साथ में बात की जा रही है रीडिंग। ठीक है, तो लिस्टनिंग लर्निंग और रीडिंग ये भी जो है यहां पर किताब लॉन्च की गई है, अमित शाह जी के द्वारा रिलीज की गई
गई है और जो इसकी फर्स्ट कॉपी है ये रिसीव करी गई है वेंकैया नायडू जी के द्वारा, और जो इवेंट ये होस्टेड किया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इवेंट होस्ट किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बारे में आप लोग मोटा मोटा सा आइडिया जरूर रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बने। तो एक बार देखिए, आप लोगों को यहां पर ना महारत हासिल नहीं करनी है, आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया भी अगर टॉपिक के बारे में रहेगा ना तो आप लोग काफी कुछ आंसर यहां पर देकर निकल जाएंगे। तो उससे फायदा ही होगा कि किसी ने किसी अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप लोग आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर बीसीसीआई के बारे में, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये एग्री हो गई है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के अंडर में आने के लिए। अब तक क्या था, अब तक ये था जो यहां पर बीसीसीआई थी उसकी खुद की इन हाउस एक एंटी डोपिंग एजेंसी थी, पर लेकिन आप लोगों को बताया कि अगर घर में ही कोई प्रॉब्लम होने लगे तो घर के जो सदस्य हैं नॉर्मली उसको जनता के सामने दुनिया के सामने नहीं लेकर आएंगे, बोलेंगे कि अंदर ही अंदर इसको निपटा लेते हैं, तो इस तरीके से केसेस सामने नहीं आते थे। पर लेकिन अब नाडा के अंदर ये आएगी और नाडा वाडा के अंदर में आती है, तो इस तरीके से देखते हैं कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा अगर कोई डोपिंग का केस निकल के आता है। कहीं ना कहीं और फेयर ट्रायल यहां पर देखने को मिलेगी क्रिकेट में, और ज्यादा क्लैरिटी यहां पर निकल कर आएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये रिसेंटली अभी हमारी कंट्री की जो बीसीसीआई है उसको नाडा के अंदर लाने की बात की जा रही है। नाडा हमारी नेशनल एजेंसी है, इसी को फोकस करने वाली वाडा होती है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, वो वर्ल्ड लेवल की एजेंसी है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट बात की जा रही है हमारी कंट्री की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक अच्छी न्यूज दी गई है। बोला जा रहा है कि 14 अगस्त जो कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहां पर हमारा जो चंद्रयान 2 है वो ट्रांजिट करने वाला है एक तरीके से, जो अर्थ का एरिया में से वो चांद के उसमें चांद के एरिया में जाने वाला है, यानी कि एक तरीके से ऑर्बिट जो है अर्थ के उसमें से निकलकर वो चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और कंप्लीटली हो जाएगा यहां पर ये 20 अगस्त तक यहां पर ये कारनामा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर इतने अच्छे अच्छे कारनामे कर रहे हैं और पाकिस्तान हमारे स्वतंत्रता दिवस को ब्लैक डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि कौन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। तो देखते हैं कितने अच्छे से हम लोग यहां पर अपना जो मिशन है उसको यहां पर लैंड कर पाते हैं, तो ये सोचने वाली बात होगी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, काफी अच्छा मिशन है ये हमारी कंट्री का। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है लाइक जो सिद्धा और आयुर्वेदा हमारी कंट्री के जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उन पे फोकस दिया जा रहा है। 150 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री, मिनिस्ट्री ऑफ जो आयुष है, नाम है इनका श्रीपद यासो नायक, तो इनके द्वारा बोला गया कि इनोग्रेट किया जा रहा है इनके द्वारा आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज इन वेल्लोर तमिलनाडु। तो फोकस ये रहेगा किस तरीके से यहां पर ये जो सिस्टम है हमारी कंट्री में जनता तक पहुंचाना है, ठीक है, ताकि अपनी खुद की कंट्री का डेवलप एक सिस्टम को हम लोग फोकस करके चल सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिएगा नया जो कॉलेज है वो भी इनॉग्रेट किया गया, आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज इन वेल्लोर तमिलनाडु। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डायरेक्ट पूछ सकती है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये इनॉग्रेट किया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यहां पर यूनियन जो है यहां पर आयुष मिनिस्ट्री जो कि श्री पद यासो के यासो नायक के अंदर में है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है ये छोटी सी न्यूज है, यहां पर हमारी कंट्री की जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा लो कॉस्ट हैंडेड ये बाइक, ये एक तरीके से देखते आप लोग देखते हैं ना, कई बार बोलते हैं कि यहां पर बैक्टीरिया है कैसे उनका पता चलेगा, तो अगर कहीं पर कोई बैक्टीरिया है इस तरीके का कोई, तो आसानी से यहां पर यह है बायो कंपेक्टेबल सेंसर जो कि आसानी से डिटेक्ट कर सकेगा कहीं पर बैक्टीरिया वगैरह है या नहीं है इंडिजिनियसली, बिना किसी के वो सपोर्ट में यहां पर इनके द्वारा ये इस तरीके से डेवलप किया गया है ताकि आसानी से हम लोग बैक्टीरिया को या फिर माइक्रो बैक्टीरियल जो ऐसे हैं उनको यहां पर वेरीफाई कर सकें। तो इससे क्या रहेगा, इससे बहुत सारी बीमारियों को हम लोग टैकल कर पाएंगे, तो बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो आईटी गुवाहाटी के द्वारा यह स्टेप उठाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं बैडमिंटन के बारे में, तो इंडियन जूनियर शटलर के द्वारा 6 मेडल यहां पर जीते गए बुल्गेरिया में इंटरनेशनल, यह बुल्गेरिया जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि बुल्गेरिया में अभी रिसेंटली देखने को मिली। यहां पर 3 गोल्ड सिल्वर है एक, और इसी के साथ में यहां पर 3 गोल्ड सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, तो टोटल मिलाकर 6 मेडल हमारे जीता हमारे द्वारा जीते गए हैं बुल्गेरिया के अंदर। ठीक है, तो ये आप लोगों को बता रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है ये बैडमिंटन से निकल कर आ रही है। बैडमिंटन में हमारी कंट्री के जो सौरभ वर्मा है उनके द्वारा क्लिंच कर लिया गया सिंगल जो हैदराबाद ओपन अभी देखने को मिला, हराया गया सिंगापुर की पर्सनैलिटी को लो केन यू, तो इनको 21-13, 14-21 और 21-16 से इनके द्वारा हराया गया है। 52 मिनट का लगभग ये सेशन चला यहां पर। ठीक है, आप लोगों का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, कंटिन्यूअस इतने लंबे समय तक खेलना तो ये कितनी पावर की बात होती है, तो इसलिए आप लोग भी अपना अच्छे से खेला कीजिए, यानी कि अच्छे से पढ़ाई किया कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है लिकमा, तो यहां पर LEKIMA ये एक तरह का टाइफून है जो कि चाइना के अंदर देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों से डायरेक्ट नाम देकर भी पूछा जा सकता है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है ताइवान, यहां पर देखते हैं ये चाइना हो गया, तो इसके अंदर यहां पर ये संघाई में अभी थोड़ा लग रहा है कि इंपैक्ट डाल रहा है, आगे चलकर और भी कई सारी प्रोविंस में, तो यहां पर जैसे बोला जा रहा है सानडोंग, तो इस प्रोविंस में यहां पर पहुंचने
की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। तो ये टाइफून का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। जापान वाले या फिर ऊपर को थोड़ा चलेंगे, यहां पर इसको टाइफून के नाम से पुकारा जाता है। हमारी कंट्री के एरिया में आप लोग आएंगे तो इसे साइक्लोन के नाम से पुकारा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप लोग जाएंगे इसको विली विली के नाम से पुकारा जाता है। ये एक ही चीज के सारे नाम है जो कि सिमिलर फिनोमिनन की वजह से यहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो कंफ्यूजन में नहीं आना है कि टाइफून बोल दे तो क्या होगा और ये बोल दे तो वो होगा, ठीक है। तो ये एक ही कंडीशन ही है यहां पर जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अच्छा, गल्फ ऑफ मेक्सिको वाले एरिया में, यूएसए वाले एरिया में इसको किस नाम से पुकारा जाता है ये भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। रिविजन आप लोगों का हो जाएगा, बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे अजय आनंद सागर द्वारा, काफी अच्छे आंसर दिए गए और भी कई सारे जो फैमिली मेंबर है अच्छे आंसर आप लोगों के द्वारा दिए गए। अच्छा लगता है इसी तरीके से पार्टिसिपेट डायरेक्ट करते रहना है। और कल जो अच्छे आंसर दिए गए थे मैं नाम यहां पर बताना भूल गया था, ये रोशनी प्रसाद के द्वारा आंसर दिए गए थे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। बात करते हैं सारे सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में। हमारी कंट्री में 20 ऐसे इंस्टीट्यूट को यहां पर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जो कि वर्ल्ड लेवल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं और हमारी कंट्री के जो बच्चे हैं बाहर पढ़ने न जाए, अपनी ही कंट्री में पढ़े। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है यहां पर? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यहां पर ये काम कर रही है। 6 इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग में डिक्लेयर किए गए थे, जो सबसे स्टार्टिंग में थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईएससी बेंगलोर। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, जियो इंस्टीट्यूट ऑफ रिलायंस फाउंडेशन, बिट्स प्लानी और ये है यहां पर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। तो इनको पहले स्टार्टिंग में दर्जा दिया गया था, 3 गवर्नमेंट और 3 प्राइवेट। अभी इनको 20 तक बढ़ाने की बात यहां पर चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में आप लोगों से पूछा गया था। 2019 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमारी कंट्री में चेंज किया गया अभी रिसेंटली। पहले ये रिपील कर रहा है यहां पर 2005 में आया था, ये जो यहां पर पिक्चर में आया था 2005 में, फिर अक्टूबर में यहां पर इंप्लीमेंट किया गया, इसको रिपील किया जा रहा है। इसके द्वारा जो रिपील किया गया था, देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। जो यहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आया था उसके द्वारा जो रिपील किया गया था यहां पर, वो था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, ठीक है। और अभी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 यहां पर है, इसको रिपील किया जा रहा है किसके द्वारा? राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, तो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2019। तो ये आप लोग याद रखिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकते हैं। अभी जब हम लोग, मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था जो इन्होंने यहां पर मिस कर दिया है, वो क्वेश्चन ये था कि यहां पर आज की डेट में अगर आप लोग बढ़े, टोटल यहां पर 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, अगर आप लोग चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को भी मिला लेते हैं तो टोटल मिलाकर 11 मेंबर यहां पर हो जाते हैं। और क्वेश्चन वाली वीडियो में आप लोगों से पीआईओ वाला पूछा गया था, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यहां पर एक एजेंसी है और आज की डेट में सारा एक तरीके से जो इसके ऊपर कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर लिया है, तो इसलिए भी ये काफी न्यूज़ में है। आर्चरी यहां पर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया था, 1973 में, यानी कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में इसको बनाया गया था, ये हमारी कंट्री में 1973 में। अगर बात करें इंटरनेशनल आर्ची फेडरेशन से एफिलिएशन यहां पर ये नजर आती है आप लोगों को, और ये एफिलिएशन जो डेट है ये 1973 में ही मिल गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अर्जुन मुंडा आज डेट में इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, काफी अच्छे से आप लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, ऐसे ही आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है। आगे बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, तो एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है थार एक्सप्रेस के बारे में। थार एक्सप्रेस जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये एक रेलवे सर्विस है, कई सारी और भी रेलवे सर्विस है जैसे समझौता एक्सप्रेस है, तो कई सारी रेलवे सर्विस तो यहां पर सस्पेंड कर दी गई है पाकिस्तान के द्वारा, पर लेकिन थार एक्सप्रेस जो कि सैटरडे में रिज्यूम की जाती है यहां पर, और ये किस किस के बीच में, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो ये लाहौर से लेके वाहगा तक जाती है पाकिस्तान के अंदर में, ठीक है। तो इसके बारे में, सॉरी ये नहीं है, ये है यहां पर जोधपुर से लेकर कराची तक यहां पर यह जाती है। अगर इसके बारे में बात करें, समझौता एक्सप्रेस की बात की जा रही है, तो यह दिल्ली अटारी की साइड में जाती है हमारी कंट्री, और फिर लाहौर से वाघा तक पाकिस्तान की साइड, ठीक है। यहां पर समझौता एक्सप्रेस है ये चल रही है, और ये जो ये थार एक्सप्रेस चल रही है, समझौता एक्सप्रेस जो है वो कैंसिल कर दी गई है अभी रिसेंटली। तो थार एक्सप्रेस चल रही है वो किस किस के बीच में चलती है? तो ये जोधपुर से लेके कराची के बीच में यहां पर जाती है। अगर आप लोग जर्नी यहां पर एक बार इसकी देखना चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये हो गया जोधपुर हमारी कंट्री में राजस्थान से, यहां से निकलकर यहां से होते हुए ये आप लोग देखते हैं कराची, ये यहां पर पहुंचती है, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये इंडस रिवर आप लोगों को यहां पर दिख रही है इसी के पास में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक सर्विस प्रोवाइड कराने वाली हमारी कंट्री में, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। ट्रेन जो है ये की गई थी, कई सारे आप लोग देखते हैं पुराने समय में सिमला एग्रीमेंट हुआ जिस टाइम पर 1976 में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। बेसिक फंडा यहां पर ये है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए, अगर कोई टेंशन होती है तो देखिए जो लोग हैं हमारी कंट्री में पाकिस्तान में वो कैसे मिलजुल कर रह सकते हैं, ठीक है, तो आइडिया रखिएगा। आगे चलते हैं, यहां पर चितगोंग हिल ट्रैक के बारे में बात की जा रही है। चितगोंग हिल ट्रैक, पहले आप लोग एरिया देख लीजिए कहां पर पड़ता है, ये हो गया हमारा एरिया, यहां पर आप लोग इंडिया देखते हैं, ये बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश में जो ये वाला एरिया है यहां पर, ये बेसिक ये वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा जो टच करता है यहां पर, ठीक है। इधर आप लोगों को म्यांमार नजर आ जाता है,
ओके okay, तो इस पर्टिकुलर एरिया की यहां पर बात की जा रही है। तो चित्तगोंग हिंग एरिया के बारे में जो यहां पर स्टेटमेंट है वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंटली न्यूज में है और हमारी कंट्री के नॉर्थ ईस्ट एरिया को ये टच करता है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। चित्तगोंग हिल एरिया जो चित्तगोंग हिल जो ट्रैक यहां पर यह अकॉर्ड साइन किया गया 1997 में। यहां पर डिमांड थी जो इंडिजिनस पीपल है बांग्लादेश के उनके द्वारा कि यहां पर ये जो एग्रीमेंट है इसको इंप्लीमेंट यहां पर किया जा सके तो गवर्नमेंट के द्वारा ये एग्रीमेंट यहां पर साइन किया गया ताकि पर्टिकुलर एरिया में जो भी यहां पर कम्युनिटी रहती है ठीक है तो यहां पर जो बात की जा रही है ये यहां पर प्राप्तियां यहां पर ये पर्टिकुलर इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं जिसको PCJSS बोला जा रहा है लोकल ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर जिसके साथ में एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसको बोला जा रहा है पर्वतिया चित्तगोंग जनासंगति समिति ठीक है ना। तो इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं अगर चाहें तो पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ये जरूर याद रखिएगा। लोकल एरिया है उनके रिहेबिलिटेशन की बात की गई सेल्फ गवर्नेंस की बात की गई और मिलिट्री रूल को वहां से हटाने की बात की गई तो ये है जुमा पीपल इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। इसी के चलते शेख हसीना जी को यूनेस्को के द्वारा पीस प्राइज से भी नवाजा गया 1998 में जब इस पर्टिकुलर एरिया में शांति आई गई। तो इंडिजिनस जो पीपल है यहां पर उन्हीं के बारे में यहां पर बात की जा रही है गवर्नमेंट की द्वारा यहां पर शांति बनाकर रखी गई काफी लंबे समय से फिर अगर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो न्यूज में आ जाते हैं। और हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया त्रिपुरा हो गया मिजोरम हो गया तो वो यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया को टच करते हैं जैसे म्यांमार वाला एरिया हो गया ये भी यहां पर और इसी के साथ में ये हिली एरिया है तो शांति बना के रखा जाएगा तो हमारी कंट्री का नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी शांति देखने को मिलेगी। तो उसके बेस में इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो ऑटोमोबाइल यानी कि जो आप लोग बात करें मोटरसाइकिल बाइक थ्री व्हीलर या फिर कार इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी कम हो गई है तो उसी के चलते जो डोमेस्टिक है हमारी कंट्री में बोला जा रहा है 50% तक यहां पर कम हो गया बहुत बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो ये इसी के चलते खासकर जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली हमारी मार्केट में जो है मारुति सुजुकी है तो उसके द्वारा सेल बोला जा रहा है कि 50% तक यहां पर शार्प डिक्लाइन हो चुकी है और ड्यूरिंग मंथ अगर आप लोग देखेंगे यहां पर जो रिपोर्ट किया जा रहा है ओवरऑल में 36 के करीब यहां पर ये ड्रॉप देखने को मिल रहा है तो काफी लंबे समय से यहां पर ये प्रॉब्लम चली हुई आ रही है। पैसेंजर व्हीकल में भी प्रॉब्लम है इसी के साथ में कमर्शियल व्हीकल की बात कर लीजिए या फिर कोई दूसरे और हर एक लेवल पर यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। टू व्हीलर में भी काफी ड्रॉप देखने को मिल रहा है डेटा ये चेंज होता रहता है ये रटने की जरूरत नहीं है बस ये याद रखिए काफी कुछ घट रहा है ठीक है। इसी के साथ में जो मारुति सुजुकी है सबसे लार्जेस्ट हमारी कंट्री में कार मेकर है जिसके द्वारा यहां पर ये पर्टिकुलर ये फॉलो किया जाता है और इसी के साथ में जो फंड आते हैं यहां पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है जो हमारी कंट्री में उनका भी लिक्विडिटी क्राइसिस चल रहा है क्योंकि वहां पर पैसा नहीं है तो वहां से फंडिंग नहीं आ रही है कंज्यूमर के पास भी पैसा नहीं है लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में तो वह भी एक बहुत बड़ा रीजन यहां पर बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। इसी के साथ में अगर देखें यहां पर जो जीएसटी के रेट है वो काफी चेंज किए जा रहे हैं रिसेंटली अभी आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखने को मिला कई सारे रेट चेंज किए गए। पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल 12% की जीएसटी कैटेगरी में आते थे अब इसको 5 के मिला दिया गया। चार्जर जो थे वो पहले 18 की कैटेगरी में आते थे अब उसको घटाकर 5 की कैटेगरी में ला दिया गया। तो इस तरीके से जीएसटी के जो रेट चेंज हो रहे हैं और इसी के तरीके से जो भारत स्टेज हमारी कंट्री में जो 4 से लेकर सीधे 6 पर हम लोगों ने जंप किया है ये सारे रीजन है कि लोग क्या कर रहे हैं अभी उन्होंने होल्ड पर रख दिया है कि आगे चलकर थोड़ा छूट मिलेगी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा रक्षाबंधन फिर हमारी कंट्री में सारी चीजें फेस्टिवल आगे स्टार्ट हो रहे हैं तो वहां पर हो सकता है डिस्काउंट मिले तो लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अभी नया खरीदे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कंपनी के द्वारा भी यहां पर जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो यहां पर कट कर दी गई है तो इसकी वजह से देखिए इंप्लीमेंट पे काफी इंपैक्ट पड़ता है। अगर इस तरीके से हम लोग करेंगे तो जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनके जॉब जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि बिगेस्ट इंप्लॉयमेंट जनरेशन यहां पर इंडस्ट्री यहां पर मानी जाती है और इसी के साथ में इंडिया जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टू व्हीलर थ्री व्हीलर और ट्रैक्टर की अगर बात करें वर्ल्ड में और पांचवें नंबर पर आते हैं ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में हमारी कंट्री। इसी के साथ में अगर आगे बढ़े तो यह भी इंपॉर्टेंट डेटा है आप लोगों के सामने ऑटोमेटिव मिशन प्लान 2016 से 26 की अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो यहां पर बात रखी गई बोला गया कि अभी हम लोग पांचवें नंबर पर आ रहे हैं ओवरऑल में पर आगे आने वाले टाइम में हम लोग पांचवें की जगह यहां पर तीसरे नंबर पर आ जाएंगे यूएसए और चाइना के बाद में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करने में इस तरीके जो व्हीकल होते हैं ठीक है। बाकी आप लोग देखते हैं रटना नहीं है कहां पर क्या क्या है कितना ज्यादा यहां पर सारे नेगेटिव है मारुति सुजुकी यहां पर होंडाई ये अगर बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा टोटियो टोयोटा तो ये सारी एक तरीके से आप लोग देखते हैं सारी यहां पर नेगेटिव है। फिर से बोल रहा हूं ये डेटा याद नहीं रखना है आप लोगों को बस ये देखना कि नेगेटिव में चल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो यहां पर ऑटोमेटिव मिशन जो यहां पर ये प्लान 2016 से लेके 26 का है ये इंपॉर्टेंट डेटा है आप लोगों के लिए। ओके आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर ये है TECH टेक एक्स ठीक है। तो ये जो हमारी कंट्री में अभी देखने को मिल रहा है ये हमारी कंट्री की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है तो यहां पर दो स्कीम के ऊपर फोकस किया जा रहा है बेसिकली वो दो स्कीम कौन सी है एक तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इम्प्रिंट है यहां पर इसके बारे में आप लोग याद रखेगा और इसी के साथ में एक और है यहां पर जिसके बारे में अभी UAY आगे बात करूंगा मैं 2015 में ये लॉन्च की गई थी। बेसिकली इसका फोकस ये कि कुछ ऐसे एरिया
10 डोमिनेटेड एरिया यहां पर चेक किए गए, जैसे हेल्थ हो गया, एनर्जी हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, टेक्नोलॉजी हार्डवेयर हो गया, एडवांस जो मटेरियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग सिक्योरिटी, डिफेंस, एनवायरमेंट और ये क्लाइमेट चेंज। ये किस तरीके से इन पर्टिकुलर एरिया में क्या हम लोग अपना काम कर सकते हैं, चैलेंजेस हैं उनका हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो 142 प्रोजेक्ट लगभग 313 करोड़ रुपए के अप्रूवल किए गए थे इम्प्रिंट फर्स्ट के टैग इन, और अभी यहां पर प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के चलते बोला जा रहा है कि और अच्छे लेवल पर हम लोग इसको लेकर चलेंगे। तो हमारी कंट्री के जो यहां पर रमेश पोखरियाल निशांक, इनके द्वारा यहां पर ये टेक एक्स यहां पर ये इनॉग्रेट किया गया एक एग्जीबिशन इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप लोग यहां पर याद रखिएगा इसके बारे में, वो है यहां पर ये, जिससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन वाली वीडियो में क्वेश्चन भी आप लोगों से अटेम्प्ट कराया था, उच्चतर आविष्कार योजना, ये भी 2015 में लॉन्च की गई थी। बेसिक फोकस ये है कि कैसे आप लोग इनोवेशन को प्रमोट कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यानी कि बाहर के ऊपर डिपेंडेंसी न रहे। तो इसके अंदर भी काफी सारे प्रोजेक्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो पार्टिसिपेशन है, जो मिनिस्ट्री है यहां पर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वो 50% पार्टिसिपेट कर रही है, बाकी दूसरी जो मिनिस्ट्री है उसका 25% है, और बाकी जो इंडस्ट्री है उसका 25% है। तो टोटल मिलाकर 100% ऐसे पार्टिसिपेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। और एक इसी के चलते एक बात आप लोग ये भी बोल सकते हैं, एजुकेशन के साथ में अगर कनेक्टिविटी बनाई जाएगी यहां पर इंडस्ट्री की, तो डायरेक्ट स्कूल में से जो बच्चे निकल रहे हैं उनको डायरेक्ट जॉब मिलने के भी चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो एक पॉजिटिव बात ये भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहां पर, ये बात की जा रही है लिंक स्पेस के बारे में। लिंक स्पेस यहां पर चाइना के द्वारा अभी रीयूजेबल रॉकेट RLV-T5 ये 5 यहां पर 5 महीने में यहां पर इसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली वर्ड यूज किया गया रीयूजेबल रॉकेट। ठीक है, तो रीयूजेबल रॉकेट अगर आप लोगों से कोई बोले तो आप लोग क्या देखना है इसको, आप लोग ऐसे देखिए, मान लीजिए यहां पर एक रॉकेट है वो यहां पर लॉन्च करता है, लॉन्च करने के बाद में जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है वो तो लॉन्च हो जाता है, पर रॉकेट जो है वो फिर से हम लोग उसको रिसीव कर सके और फिर से इसको रॉकेट को हम लोग यूज कर सके, तो इससे क्या होगा, इससे देखिए सारी कॉस्ट जो है ना वो एक्स्ट्रा, नया रॉकेट आता है फिर से ये रॉकेट बर्बाद हो गया, फिर से हम लोग को पूरा रॉकेट डेवलप करना पड़ता है, तो वो कॉस्ट यहां पर बच जाएगी। तो काफी सारी कंट्रीज पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही है। अगर आप लोग देखें चाइना भी यहां पर इसके बारे में काम कर रही है। इसी के साथ में इलोन मस्क की स्पेस जो यहां पर एक्स है वो 2017 में ये हिस्टोरिक इवेंट ऑलरेडी कर चुकी है। यूरोप, रशिया, जापान, चाइना ऑलरेडी यहां पर रेस में है, और हमारी कंट्री भी काफी ज्यादा इसके ऊपर फोकस देकर चल रही है। जैसे इसरो की अगर बात करें तो इसरो का यहां पर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम जो RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, तो हमारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी यहां पर है, यानी कि हम भी इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के चलते जो फर्स्ट स्टेप है हम लोग अभी इसमें काम कर, आगे देखते हैं कब तक इसको अचीव कर पाते हैं। स्पेस एक्स जो ब्लू जो ओरिजिन है यहां पर, वो उनका अलग तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो इसको अचीव कर ही चुके हैं। हमारी कंट्री कितनी जल्दी इसको प्रॉपर वे में हम लोग इसको कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो अंडर प्रोसेसिंग है हमारी कंट्री का भी ये काम, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि याद रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये बात की जा रही है एक रिवर के बारे में, ये है नेत्रावती रिवर। ठीक है, तो नेत्रावती रिवर अभी यहां पर जो CCD के जो फाउंडर थे उनके द्वारा जो सुसाइड की गई उसकी वजह से ये न्यूज में भी थी यहां पर, इसके बारे में याद रखिए, कर्नाटका के अंदर में है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर यह बंगराबली वैली जो यहां पर येलनरू जो चिकमंगलूर के अंदर यहां पर डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली वहां पर आप लोगों को ये ओरिजिन देखने को मिलेगा। बेसिक जो सोर्स है यहां पर, ये यहां पर गंगामूला। ठीक है, तो यहां पर ये है, बाकी यहां पर काफी अच्छा पिलग्रिमेज स्टेट इसको एरिया बोला जाता है यहां पर। ये धर्मस्थला जो मर्ज करती यहां पर यह है कुमारधारा रिवर के साथ में, और पहले इसको यहां पर बंटीवाला रिवर के नाम से भी पुकारा जाता था, बंटीवाला और इसी के साथ बंटीवाल वाला नहीं बंटीवाल, और मैंगलोर में दो सिटी है जहां पर यह काफी बहती हुई नजर आती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ये पर्टिकुलर आप लोग देखते हैं इसका जो बेसिकली यहां पर ये आप लोग इसको देखते हैं, आप लोगों को पिक्चर में दिख रही है, और यहां पर भी आप लोग हल्का सा आइडिया के बारे में रख सकते हैं मैप में। ठीक है ना, तो यहां पर ये देख सकते हैं, ये यहां रिवर आप लोग देखते हैं इस नाम से पुकारा जा रहा है। तो यहां पर ये पर्टिकुलर मैप है जहां पर ये काफी न्यूज में थी। बाकी जो आप लोग का रिविजन है यहां पर, ये है चंद्रयान के बारे में। चंद्रयान जो व्हीकल है यहां पर, ये पर्टिकुलर कितनी कॉस्ट यहां पर देखने को मिली है चंद्रयान 2 की, पहली बात। दूसरी रोवर और यहां पर लैंडर है उनके नाम आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, तीसरा जो ये जिससे लॉन्च किया गया उस व्हीकल का नाम और उसको और किस नाम से पुकारा जाता है ये आप लोगों को बताना है। चांद पे किस पोजीशन पर ये पहुंचने वाला है, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। देख लेते हैं क्या-क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में जाना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहां पर ये क्विज था जिसका आप लोगों ने आंसर दिया, इसके बारे में हम लोग खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में देखा कि क्या रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बात की, किताब के बारे में बात की हम लोगों ने, मिनिस्ट्री के द्वारा जो लॉन्च की जा रही है BCCI और नाडा के बारे में आप लोगों को जानने को मिला। नेक्स्ट यहां पर आयुर्वेदा और इससे रिलेटेड बात की जा रही है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। हमारी कंट्री का जो चांद जो चंद्रयान है वो पहुंचने वाला है चांद की कक्षा में, वो हम लोगों ने जाना। IIT गुवाहाटी के द्वारा क्या स्टेप उठाया गया है, क्या क्या चीजें वो देखा हम लोगों ने। बैडमिंटन के बारे में जानने को मिला आप लोगों को यहां पर,
इसी के साथ में बैडमिंटन से रिलेटेड ये नेक्स्ट न्यूज भी थी आप लोगों के सामने। नेक्स्ट जो बात की जा रही है एक टाइफून के बारे में हम लोगों ने जाना और ये क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा दिए गए हैं। थार एक्सप्रेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये चल रही है, इसके बारे में समझा। चित्तगोंग हिल एरिया के बारे में आप लोगों को जानने को मिला। नेक्स्ट जो थी यहां पर मारुति सुजुकी की क्या क्या कंडीशन वो सारी हम लोगों ने देखी और किस तरीके से हम लोग आने वाले टाइम में अपने आप को पोजिशन करने वाले हैं वो समझा। नेक्स्ट यहां पर टेक एक्स के बारे में आप लोगों को जानने को मिला, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। लिंक स्पेस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को जानने को मिला। एक रिवर आप लोगों ने जानी और ये था आज का आप लोगों का रिवीजन। अब बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। क्विज में यहां पर जो है ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट डे इनके आंसर बताए जाएंगे। रिवीजन भी आप लोग इसको एक तरीके से बोल सकते हैं। तो अच्छे से इसके बारे पर एक बार नजर डाल लीजिए आप लोग।